नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। उत्तराखंड का रामनगर किस कदर नशे के सौदागरों की गिरफ्त में आ चुका है, ये साबित करने के लिए बस इतना समझना काफी होगा कि पिछले साल तक लाखों में रहने वाला नशे का कारोबार इस साल करोड़ों के आंकड़ों तक पहुंच गया है। बता दें कि खास तौर पर युवा नशे के सौदागरों के शिकंजे में आ रहे हैं, तो स्मैक और चरस के कारोबारी कई लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई के लिए अभियान जरूर चला रही है, लेकिन पुलिस छोटे कारोबारियों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे पुलिस इस कारोबार को खत्म करने में नाकाम दिख रही है। रामनगर के मोहल्ला बंबाघेर, मोती महल, खताड़ी, गुलरघट्टी, इंदिरा कॉलोनी के अलावा कई इलाकों में नशे के इंजेक्शन, कैप्सूल, स्मैक, गांजा और कच्ची शराब खुलेआम बेची जा रही है। वहीं नशेड़ी इन चीजों का सेवन कर जमकर उत्पात मचाते हैं। ऐसे में अगर इन्हें कोई रोकता है तो नशेड़ी इनके खिलाफ मुखर होकर गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं। वहीं इलाके के लोगों ने नशेड़ियों के खिलाफ और नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन से बड़ी कड़ी कार्रवाई करते हुए इनके आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। खास तौर पर युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में लगातार घिरती नजर आ रही है। नशे कारोबार में ये कहना चाहूँगा कि इस समय वर्तमान में जो नशा चल रहा है, स्मैक, नशे की गोली और इंजेक्शन का बहुत बेइंतहा नशा चल रहा है, और कहीं ना कहीं अगर वास्तव में देखा जाए तो पुलिस के छोटे कर्मचारी जो चीता है या पुलिस के जो सिपाही हैं जो ड्यूटी करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें लिप्त हैं, तभी जो है इनके सौदागरों को पकड़ा नहीं जा रहा है। मात्र छोटी छोटी पुलिस कच्चे पाउच शराब पकड़कर और इस मामले को रफादफा कर रही है, और इसको बहुत ज़रूरी है, शासन प्रशासन को चाहिए कि जल्द इससे नकाम लगाए, वरना कहीं ना कहीं जो है राज्य और शहर हमारा नशे की गिरफ्त में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज 31 चैनल का धन्यवाद करता हूं, जिसने इस गंभीर समस्या की ओर जो है ये न्यूज़ बनाने का काम किया है। मेरी पत्नी यहां सभासद है वार्ड 18 से, रुबीना सैफी। हमारे द्वारा विगत दिनों ज्ञापन भी दिया गया है, पूरे क्षेत्र में नशे का कारोबार चरम सीमा पर है और किसी तरह का इस पर पुलिसिया अंकुश नहीं है, और युवा पीढ़ी नशे की गर्त में समा रही है। कई लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। अगर इस पर शीघ्र ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिन बहुत भयावह होंगे, और इस नशे के कारण अराजकता बढ़ रही है। लूटमार, चोरी, डकैती, मोबाइल छिनौती की घटनाएं आए दिन बहुत बढ़ रही हैं। रामनगर के कई इलाकों में नशे के अवैध कारोबार के चलते आसपास में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं लोगों का आरोप है कि उनके इलाके में अवैध रूप से बिक रहे नशीले पदार्थों की शिकायत कई बार पुलिस प्रशासन से करने के बावजूद भी आज तक कोई रोक नहीं की गई है। वहीं पुलिस की हीला हवाली के कारण नशे के बड़े सौदागरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, तो वहीं कई लोगों ने पुलिस कर्मियों पर नशेड़ियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि पूछो ही मत क्या परेशानी है। हमारे बच्चे तो खुद नशेड़ी हो गए, चोरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है नशे के मामले में। तो मोहल्ले वालों को खुद मारने आते हैं, यहाँ आके बीच रास्ते में चक्कू मार के गया हमारे लड़के को, यहाँ पे बाहर के लोग आके, तब भी कुछ नहीं हुआ, रिपोर्ट भी लिखाई, सब कुछ करा, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। जिनने चक्कू मारा 10 जनों 20 जनों के सामने मारा यहाँ गली में, तब भी कोई कुछ नहीं बोला। हाँ, बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे पी रहे हैं छोटे छोटे, और सभी बिगड़ना है, दिन रात हल्ले मचते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। हमारे तो परिवार में कोई है ही नहीं, हम दो माँ बेटा हैं बस, लड़ने मरने को तैयार होते हैं। तुम्हारे बच्चे के पिला रहे हैं क्या, तुम्हारे घर आ रहे हैं क्या, गलियों में बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ के पीते हैं रात को सीढ़ियों पर ना। बस यही है पुलिस का रोना, के मतलब पुलिस को आना चाहिए, 10-11 बजे आप लोग भी आके देखो इस वाले कोने पे, और नीरे पीने वाले बैठे रहते, मिलेंगे तुम्हें नीरे सब जगह। रामनगर में बढ़ते नशे के को लेकर रामनगर के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। रामनगर के कई इलाकों में अवैध रूप से नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को वहाँ रहना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि रामनगर में स्मैक, गांजा, कच्ची शराब के अलावा नशीले कैप्सूल और इंजेक्शनों का कारोबार इस समय
पूरी तरह अवैध रूप से चल रहा है, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान है। तो वहीं युवा पीढ़ी इस नशे की गिरफ्त में लगातार घिरती जा रही है। आपको बता दें कि रामनगर के मोहल्ला बम्बा घेर, मोती महल, खताड़ी, गुलरघट्टी, इंदिरा कॉलोनी, लखनपुर के अलावा कई इलाकों में इस प्रकार के नशीले पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं, जिससे वहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो गया। लोगों का कहना है कि यदि वो इन नशेड़े युवकों से कुछ कहते हैं तो नशेड़े युवक उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करने को तैयार हो जाते हैं। तो वहीं लोगों का कहना है कि पुलिस विभाग को इसकी कई बार जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा भी कोई कार्रवाई नशेड़ी के खिलाफ नहीं की जाती। हालांकि पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाए भी जा रहे हैं और कई नशेड़ियों को जेल भी भेजा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद नशे का कारोबार रामनगर में थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ पुलिस कर्मियों की संदिग्धता के कारण नशेड़ियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस नशा के सेवन करने वालों को तो गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जो नशे के बड़े सौदागर हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में नशेड़ियों द्वारा किए जा रहे आतंक से उन्हें निजात दिलाई जाए, तो वहीं नशे के जो बड़े सौदागर हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड के रामनगर में नशे का कारोबार पिछले कुछ सालों में खूब फल फूल रहा है, जिससे शहर के युवा भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। जहां एक ओर कई समाजसेवी और सामाजिक संस्थाएं इस नशे रूपी काल से समाज को बचाने की मुहिम छेड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की लापरवाही के चलते क्षेत्र में नशे का कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं नशे की इस लत से युवाओं को बचाने के लिए कुछ समाज सेवियों ने टीम बनाकर पहल भी की है, लेकिन प्रशासन और सरकार इस ओर गंभीरता से नहीं देख रही है। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।